नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक समस्या जो कि बहुत लोगों को बहुत तकलीफ दे देती है, स्केबीज के विषय में। स्केबीज एक जिसको होता है इन्फेक्शन, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है और यह पूरे परिवार में बहुत जल्दी फैल जाता है। तो हम आपको बताएंगे इसको ठीक करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में, जो आपको इसके बीच में आराम देके इसके बीच को ठीक कर देंगी और आपको स्वस्थ कर देंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं इसके बीच होता क्या है। इसके बीच सार्कोप्टिस स्केबियाई नाम का एक माइट होता है, जो कि बरोइंग माइट होता है, एक बरो बनाता है और उसमें वह रहता है, उसके थ्रू वो सर्वाइव करता है। उस माइट के कॉज करने वाला एक इची स्किन डिजीज है, यानी कि आपकी स्किन में इस माइट के प्रेजेंस से बहुत खुजली होती है। यह नॉर्मली फोल्ड्स ऑफ स्किन में होता है और आपको बहुत इचिंग पैदा करता है, खासतौर से रात में। इसके कॉज साथियों, कॉज जैसे हमने बताया कि यह जो माइट होता है, इसका जो फीमेल प्रजाति होती है, यह आपके स्किन के अंदर बरो हो जाता है, स्किन के अंदर जाके धीरे धीरे महीन महीन एक पूरा एक टनल बना लेता है और यह टनल बना लेता है, वहाँ पे इसका लार्वा हैच होता है और यह लार्वा बढ़ के पूरे में फैलता जाता है। फिर जहाँ जहाँ वह पेशेंट टच करता है, वहाँ वहाँ वो लार्वा जॉइंट्स के फोल्ड्स में जो है वहाँ यह आता जाता है और आपको तकलीफ देता है। यह बहुत तेज़ी से पूरे परिवार के बीच में फैल सकता है। सिम्टम्स साथियों, सिम्टम्स इसका सब दो तीन बातें हैं। पहली बात है कि यह जहाँ पे फोर्स ऑफ स्किन होता है वहाँ पे होता है, चाहे उंगलियों के बीच में हो, चाहे इनवाइनल रीजन में हो, चाहे ब्रेस्ट के नीचे की तरफ हो, चाहे आर्मपिट्स में हो, चाहे नी जॉइंट्स के नीचे हो, चाहे पैर के फिंगर्स के बीच में हो, इस तरह का जो जगहें होती हैं जहाँ पर थोड़ा सा लेस एयर सप्लाई जिसे कहते हैं होती है, लेस एक्सपोज होती है एनवायरनमेंट को, वहाँ पर यह आसानी से ग्रो करता है और बड़ा बनाता हुआ यह करता है, जिसमें कि इचिंग होती है जो रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वाटरिंग फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। इसको ठीक करने की होम्योपैथी में साथियों बहुत कारगर दवाएँ हैं। हम आपको बताएंगे इसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवा। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि स्वयं अपना इलाज ना करें, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करा के ही कोई भी दवा लें। दवा व्यक्ति के हिसाब से, सिम्टम के हिसाब से पर्सन टू पर्सन भिन्न हो सकती है और जो दवाएं आपको फ़ायदा करती हैं यही आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो चलते हैं साथियों, जानते हैं स्केबीज को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। सबसे साथियों, स्केबीज को ठीक करने की जो प्रीमियम दवा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सिम्टम खुजली ही होता है, इसलिए इसकी सबसे प्रीमियम दवा है सल्फर। आप सल्फर 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपके जब स्केबीज होता हो तो उसमें खुजली बहुत होती हो, उसमें इचिंग बहुत होती हो और आपको गर्मी से जलन और होती हो, गर्मी से आपको उलझन होती हो, या स्थिति साथी हो अगर हो तो आपकी दवा सल्फर है। सल्फर के मरीज को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, नहाना उसे पसंद नहीं होता है। तो अगर यह सिम्टम आप अपने में पा रहे हैं, इचिंग के साथ आपको इसके बीच जो कि होता ही इचिंग के साथ है, तो सल्फर आपकी मुफीद दवा है। आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दूसरी स्थिति साथियों आती है कि आप जब इसके बीच हुआ और आपने उसे बहुत खुजली करी और खुजली करने के बाद आपके रूखापन उस एरिया में बढ़ गया, सोरनेस बढ़ गई, एक खारिश ऐसी होने लगी। यह स्थिति साथियों अगर आपको हो स्केबीज के केस में, तो आपको ठीक करने की स्केबीज की दवा कॉस्टिकम है। आप कॉस्टिकम 30 रोदो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो सॉरनेस, रॉनेस और ड्राइनेस स्केबीज अफेक्टेड एरिया में हो गई है वह सही हो जाएगी और इंटर्न आपका स्केबीज भी ठीक हो जाएगा। कॉस्टिकम के पेशेंट को एक और मेंटल सिम्टम बड़ा अच्छा होता है कि दूसरों की परेशानियों से उसको बहुत सिंपथी होती है। अगर कोई परेशान होता है तो उससे उसको बहुत उसके लिए बड़ा इच्छा जागृत होती है, वो कैसे उसकी मदद कर दे। तो अगर आप में यह सिम्टम है तो आप कॉस्टिकम के मरीज हैं, आप कॉस्टिकम 30 रुपये बूंद दिन में 3 बार इसके भी इसको ठीक करने के लिए ले सकते हैं। एक साथियों आती है स्थिति की जब आपने बहुत खुजली मची आपके इसके भी में, लेकिन आप खुजलाते रहे लेकिन आपको आराम नहीं मिला, तो
अगर ये स्थिति आ रही कि आपकी इंटेंस इचिंग हो रही है और इचिंग करने से आपको स्क्रैप करने से स्किन आपको आराम ना मिल रहा हो, स्किन लाल हो जाती हो खुजलाते, लेकिन आप परेशान हो रहते हो, उस स्थिति को ठीक करने की स्केबीज की उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सीपिया। आप सीपिया 32 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकती हैं जब आपके बहुत इचिंग हो रही हो और खुजलाने से भी आपको उस इचिंग में आराम ना मिल रहा हो, आपको खुली हवा में खुले में जाने में तकलीफ हो रही हो और गर्म कमरे में शांति से बैठ के आपको आराम मिल रहा हो, यह सारे सिम्टम अगर आप में पाए जाएँ तो आपकी दवा सीपिया 30 है। आप सीपिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप अपने में बहुत राहत पाएंगे। फिर एक स्थिति साथियों आती है कि आपके इचिंग हो रही है, इचिंग के बाद आप इतना खुजला रहे हैं, फिर उसमें पपड़ियाँ पड़ रही हैं, वो पपड़ियाँ निकल रही तो नीचे से चिपचिपा पानी निकल रहा है और इसके भी जिस तरह आपका बढ़ रहा है, अगर साथियों यह स्थिति आप में पाई जाए तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है काली सल्फ। आप काली सल्फ 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। अगर आपके इचिंग बहुत हो रही है और इचिंग के बाद पपड़ी पड़ रही है और आप जब खुजला रहे हैं तो वो पपड़ी निकली जा रही है और उसके पीछे से चिपचिपा पानी निकल रहा है और इसके भी आपका इस तरह बढ़ता जा रहा है, कपड़ों में जगह जगह लग के और पोर्शन से पहुंचता जा रहा है, उस स्थिति की दवा काली सर 30 है। इसको लेके आप अपने इसके भी इसको ठीक कर सकते हैं, उसमें लाभ पा सकते हैं। फिर साथियों एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो आमतौर पर इसके भी इसके साथ होती है कि आप इतना खुजलाने लगे कि खून तक आ गया, चिपचिपा पानी आया, तो अभी हमने दवा आपको काली सल्फ बताई, लेकिन अगर ब्लड तक आ गया, तो अगर ब्लड आपके इचिंग करके स्केबीज के दौरान आ रहा है तो इसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा सोराइनम है। सोराइनम 1 EM पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर आप वीकली ले सकते हैं। जब आपके बहुत ही इचिंग हो रही है, इतना खुजला रहे हैं कि इन्फेक्शन में से ब्लड आया जा रहा है और आप उससे तकलीफ में हैं, उस स्थिति की दवा सोराइनम 30 है। आप सोराइनम 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका स्केबीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति आपके स्केबीज हो गया, खास तौर से आपके प्यूबिक एरिया में और स्कैल्प में आपको दिक्कत हो गई जिससे कि आपके क्रस्ट निकलने लगे, क्रस्ट के साथ आपके हेयर फॉल भी होने लगा। अगर यह स्थिति में स्केबीज बन जाए जिसमें आपका हेयर फॉल होने लगे, प्यूबिक हेयर आपके जाने लगे, आर्मपिट के हेयर जाने लगे और सब कुछ चिकना होने लगे, यह कंडीशन अगर आपको बने स्केबीज में तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा सिलीनियम है। सिलीनियम 32 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, आप पाएंगे कि आपका स्केबीज ठीक हो गया, आपका हेयर फॉल रुक गया, आपका आर्मपिट प्यूबिक हेयर भी हेयर फॉल होने से रुक गया और आप ठीक हो गए। ये साथियों कुछ दवाएं थी होम्योपैथी में स्केबीज के विषय में। यह एक प्रयास भी था आपको होम्योपैथी के करीब लाने का। दवा का जहां तक बात है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। आपके सिम्टम दवा के हिसाब से भिन्न हो सकते हैं और इंटर्न आपकी दवा भिन्न हो सकती है। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर आप अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें आपको संतोषजनक जवाब देने में प्रसन्नता होगी। अगर साथियों आपको हमारा या होम्योपैथी को आपके करीब लाने का प्रयास, आपकी मुश्किलों को आसान करने का प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा के हमारा वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा। आपका हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।